अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिल्ली स्टाइल रेसिपी। आज दिल्ली स्टाइल रेसिपी में मैं आपके लिए लाई हूँ मलाई कोफ्ता बनाने की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है, अभी मैं आपको जो है सिर्फ कोफ्ते में जो इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे, जो चीज़ें पड़ेंगी, मैं सिर्फ आपको वो बताने जा रही हूँ। ग्रेवी का मसाला मैं आपको बाद में बताऊँगी। इसके लिए मैंने लिए है ये 2 आलू उबले हुए बड़े साइज़ के, ये 250 ग्राम पनीर है, मैं अभी इसको ग्रेट करूँगी, कद्दूकस कर लूँगी। इसके अलावा ये मैंने आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल देगी मिर्च और ये कॉर्नफ्लोर लिया है 1 चम्मच। इससे कॉर्नफ्लोर डालने से ये होगा कि ये हमारे जो कोफ्ते हैं ये अंदर तक नरम हो जाएंगे। इसके अलावा हरा धनिया, हरी मिर्च, ये 4 हरी मिर्चें, चूँकि आज बारीक वाली हरी मिर्चें थी तो ये मैंने छोटी छोटी हैं लेकिन ये मैंने 4 काटी हैं। इसके अलावा ये हरा धनिया भी मैं इसे मिलाऊँगी। ये काजू किशमिश है, ये हम फिलिंग करेंगे इसकी। और ये 2 चम्मच मैदा लिया है, इससे मैदा डालने से ये होगा कि इसकी जो है कोफ्तों की बाइंडिंग हो जाएगी। मैं पनीर को ग्रेट कर रही हूँ, ऐसे करके इसको ग्रेट करना है। ये पनीर को मैंने कद्दूकस कर लिया है और अब मैं इसमें आलूओं को मसलने जा रही हूँ। एक साइड करके हम इसी में आलूओं को तोड़ के मसलेंगे अच्छे तरीके से। ये मैंने पहले से उबाल के रखे हुए थे। ये आलू और ये पनीर मैं मिला के इसको, और इसमें बाकी के मसाले भी अभी मिला देती हूँ। ये हरी मिर्चें, फिर हम एक उसको खट्टा ही मिला लेंगे, नमक, मिर्च और कॉर्नफ्लोर। ये 2 चम्मच मैंने मैदा निकाल के रखी थी, ये भी मैं इसमें मिला लूँ और अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिला लूँगी, फिर मैं इसके कोफ्ते बनाऊँगी। ये मैंने आलू, पनीर, हरा धनिया, हरी मिर्च और नमक मिर्च, जो बारूबी कॉर्नफ्लोर और वो मैदा मिला के मैंने अच्छी तरीके से इसको मसल लिया है और अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको थोड़ा सा ऐसे करके, और हम इसमें काजू और किशमिश रखेंगे, ज़्यादा नहीं भरना है क्योंकि नहीं तो ये फट भी सकते हैं। इस तरीके से करके आपने थोड़ा सा और ऊपर से रख दें इसको, और ऐसे करके इसको थोड़ा सा पहले हाथ से दबा लें ताकि अंदर की हवा निकल जाए। इसके अंदर की हवा होती है, पहले से निकाल लें। ये देखिए इस तरीके से आपने गोल गोल बना लेना है। चाहे तो आप इसमें पिस्ते वगैरह भी रख सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ इसके अंदर काजू और किशमिश ही रख रही हूँ। इसको हल्के हाथ से दबा के ऐसे, इसको गोल कर लें आहिस्ता से, हो गया। फ्राइंग पैन में मैंने तेल गरम कर लिया है और अब मैं ये जो बॉल्स बना के रखी हैं मैंने, ये मैं इसमें डालने जा रही हूँ। ये मैंने तकरीबन 10 बॉल्स बन गई हैं। मैंने 2 आलू और 250 ग्राम मैंने पनीर लिया था, 4 से 5 लोगों के लिए मेरा ख्याल है ये काफ़ी रहेगा। मैंने बड़ी बड़ी बॉल्स बनाई हैं, आप चाहें तो छोटी बना सकते हैं, तो ये और ज़्यादा भी बन जाएंगी। अभी हम ये थोड़ा फ्राई होने देते हैं, छेड़ना नहीं है। तेल आपका पहले से गर्म होना चाहिए। ये बॉल्स मैंने फ्राई कर ली थी, अब मैं इनको, इसकी जो ग्रेवी है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए 4 बड़े टमाटर, इन्हें काट लिया है। ये प्याज 4 बड़े लिए हैं मैंने, इनको भी काट लिए, इनको मोटा मोटा काट लेना है, कोई बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मुझे चाहिए ये 8 से 10 मैंने काली मिर्च ली है, 1 चम्मच जीरा, 4 लौंगे, थोड़े से ये बड़ी इलायची के बीज हैं और 2 मैंने सफ़ेद इलायची लिए हैं। इनको हम अभी तेल में डाल के बघार लगाएंगे। इसके अलावा ये लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये मैंने टोमेटो सॉस ली है, ये 2 चम्मच, और ये क्रीम है, ये अमूल क्रीम, अमूल फ्रेश क्रीम है, आधी कटोरी ली है। इसको, इन 2 चीज़ों को हम जब हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी हम उसके बाद डालेंगे।
इसके अलावा ये मैंने जर्दे का रंग लिया है, इसे ऑरेंज कलर भी कहते हैं। इसको हमने रंगत के लिए लिया है। ये सारा जो गरम मसाला है ये मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी ये लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये प्याज, थोड़ा सा ये प्याज नरम हो जाए तब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। फिर ये सारा कुछ हमें निकाल के ये करना है कि पीस लेना है। ये प्याज जो है सॉफ्ट हो चुकी है और अब मैं इसमें टमाटर डालने जा रही हूँ। इन्हें भी हमने थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। थोड़ा सा ये गल जाए टमाटर इसके अंदर ही, फिर मैं इसको मैं मिक्सी में डालकर पीसूंगी। ये जो ग्रेवी है ये तकरीबन तैयार हो चुकी है। टमाटरों का पानी छोड़ा हुआ है, इसे मैं भुनाई करके फिर इसको पीसूंगी मिक्सी में डाल के। आज टमाटर हैं ये भुन चुके हैं और अब मैं इसमें ये एक चम्मच धनिया, आधा चम्मच मिर्च और आधा चम्मच नमक भी डाल रही हूँ। और फिर बस मैं अब इसको पीसने जा रही हूँ। ये मिक्सी में डाल के मैंने इसको पीस दिया है और अब मैं इसमें टोमेटो सॉस और ये थोड़ा सा जर्दे का रंग डालने वाली हूँ, इससे अच्छी रंगत आएगी। हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे। देखिए रंग इसका अच्छा हो चुका है। हम इसको थोड़ी देर पका के फिर इसमें कोफ्ते डाल के थोड़ी देर और पकाएंगे, फिर हम इसको सर्व करेंगे। ये ग्रेवी को मैंने पकने रख दिया है, ये मैं इसको 2 मिनट और पका के फिर इसमें कोफ्ते डाल के फिर थोड़ा 2 मिनट और पकाऊंगी। ये ग्रेवी को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसमें जो कोफ्ते हैं जो मैंने तैयार करे हैं कि मैं इसमें डालने जा रही हूँ। ये मैं तैयार है, बस मैं 1 मिनट पका के इसको मैं इसको सर्व करने जा रही हूँ। मलाई कोफ्ता मैंने सर्व कर दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल दिल्ली स्टाइल रेसिपी।